हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय विजयलक्ष्मी। आज आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कहते हैं ना, आज पूरे कहते हैं ना, उद्धार करने के लिए राम जी ने जन्म लिया था। आज सब पता है, मेरे जितने भाई बहन हैं मुझे सब यही बोल रहे कि माँ, हम भी दिल से चाहते कि हमारा केशव आ जाए, लेकिन क्या करें, उसे लेट हो रहा है। उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में तो है नहीं। देखिए एकदम अच्छे से ये है कि रामनवमी के दिन कहते हैं ना, सत्य की विजय, असत्य की जीत पर सत्य की विजय होने के लिए राम जी ने जन्म लिया था। राम जी ने बताया है कि किस तरह से कहते हैं ना, माँ बाप का आदर किया जाता है, किस तरह से वचनों का पालन किया जाता है। भले आज उनके उनको सब कुछ कहते हैं, मतलब उनके पद पे जो चलते हैं, आज अयोध्या में इतनी बड़ी राम भूमि है, लेकिन आज उनके जन्मोत्सव का धूमधाम से पर्व मनाया जाता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शायद वह नहीं मनाया जा रहा। लेकिन हम सब घर में यही चाहेंगे कि आज के दिन राम भगवान जन्मे थे, तो आज मैं यही बोलूँगी रामनवमी के दिन कि आप सब लोग आज के दिन 9 दीपक जलाएं। आज के दिन अपने घर के बाहर 9 दीपक जला के बहुत बड़ा सा उत्सव करें, क्योंकि आज हमारे उद्धार के लिए राम जी ने खुद जम धरती पे आए थे। आपको पता, एक बार मैं अयोध्या पहुँची थी, मैं पूरे रास्ते पैदल चली थी, मुझे ना वो महसूस हो रहा था कि यहाँ से राम जी चले थे, यहाँ पर राम जी को किए थे। यहाँ तक कि हमने वहाँ जो सीता माँ की रसोई थी ना, वहाँ से खाना भी मांग के खाया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो वहाँ की हर चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का, हर छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लेती हूँ। पूरे अयोध्या में जहाँ वो सेतु का वो कहते हैं ना, वो जो नदी है, क्या बोलते हैं, गंगा जी का, सेतु जी का, वहाँ पे हम बोट में बैठ के पूरे घूमे। इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी भी जैसे उनकी महसूस हो रही थी राम भगवान की, कि यहाँ पे अभी भी वो हैं। इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैं सच बोल रही ना, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया था। शायद यही सब यात्राओं का फल है मेरा केशव। कल आप यकीन नहीं मानोगे, मैं डॉक्टर है एक प्रियंका करके, यूपी में है, लेकिन बेचारी बहुत अच्छी है। वो दूसरे डॉक्टरों के जैसी गलत नहीं है, उसने मुझे हमेशा अच्छी राय दी है। उसने मुझे कल देखा, बोली माँ आपकी जरा पीक भेजो। मैंने पीक भेजा तो बोली माँ पेट तो एकदम नीचे उतर गया, पिछले महीने जब आपने भेजा तो कलेजे के नीचे उतरा था, अभी तो पूरा नाभि सब छोड़ दिया है, एकदम नीचे हो गया है। कभी भी मतलब ये इस तरह से आया कि कभी भी बच्चा हो सकता है आपको, तो आप प्लीज अलर्ट रहें, घर में रहें, ज़्यादा मतलब चले फिरे नहीं, कुछ भी मतलब कभी भी कुछ भी सुनाई दे सकता है कि बच्चा हो गया, ऐसा हालत है इस वक्त आपका। और अब आप सिर्फ वेट ही करो, क्योंकि अब तो हो गया है, क्योंकि बच्चा एकदम नीचे आ चुका है। उसके बाद रात को मैंने उसको ना, उसने मुझे बोला था एक बार वीडियो भेजना, तो रात को मैंने ऐसे लेट के और अपनी वीडियो भेजी थी कि देखिए जरा बच्चा कैसे हिल रहा है। तो उसने देखा रात को 12 बजे, उसने यही कहा कि माँ मैं आपको एक बात बोलूँ। तो मैं सच बोलूँ, मैं टेंशन में आ गई कि अब क्या बोलने वाली है। तो क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोगों ने बहुत परेशान किया है ना, अपना घर नहीं देखते, दूसरे के घर में झांकते हैं। तो उसने कहा, माँ आप मुझे आपका पेट पता ऐसा देख के ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हमें एक नहीं आप दो केशव देने वाली है। तो मैं बोली मतलब, तो बोली मतलब कि दो दो केशव दिख रहे हैं, मतलब आपका पेट में जिस तरह बच्चा घूम रहा है और जिस तरह दिख रहा है, जिस तरह से पेट आपका दिख रहा है, उस तरह से एक नहीं दो दो केशव दिख रहे हैं। तो मैं हंसने लगी कि पहले एक तो आ जाए, दो की बात अलग है, हाँ अगर दो आ गए तो बोनस। क्योंकि शायद आप लोग को पता नहीं, जब केशव के पापा में मुसीबत थी ना, तो उनके भाई भी उनके साथ थे। तो जब उनके भाई का हो गया था, भाई का होना हो के मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, केशव के पापा का हो गया था ना, तो उनके घर वाले थोड़े नाराज़ हो गए थे कि बड़ा बेटा क्यों नहीं, छोटा बेटा क्यों। तो मैं भी दिल से दुखी हो गई थी। मैंने माता रानी को यही बोला था, माँ ऐसे मत करो, मेरे केशव के पापा को सबकी नज़र में गिराओ मत यार, नहीं तो बोलेंगे बड़ा भाई रह गया, छोटा भाई नहीं आया, क्योंकि गलती तो किसी की थी नहीं। तो मेरे को याद है, मैं उस वक्त 9 महीने बाद में मखदूम शाह बाबा गई थी, तो मेरे वकील का फ़ोन आया 12 बजे, बोले कि मैडम आ गए आपके केशव के पापा, टेंशन मत लो, जाओ कल लेके आओ। उसके बाद आधे घंटे बाद फोन आया कि उसके भाई का भी हो गया। ये बहुत बड़ा मेरी कल था, ये मेरे लिए भगवान ने बोनस दे दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरे केशव के पापा का मान रह गया, क्योंकि घर वाले नहीं समझते ना, घर वालों को लगेगा उसके पीछे विद्या देवी है, पैसे से खर्च के लगे, उनको ये नहीं दिखा कि मैं दोनों के लिए तत्पर थी। और जिसने मुझे उनके भाई की खबर दी थी, उसके उसको तो ऐसे लगा था कि ये तो खुश नहीं होगी, उसे क्या पता कि मैंने सबके लिए बराबर मेहनत की थी। जिसने मुझे खबर दी थी उसको भी ये बात पता नहीं थी कि मैंने उसको भी मैंने ही लाया था, ये बात थी। ऐसा इसलिए था कि उसको, उन लोगों को तो ऐसा लगता था कि मैं चिढ़ती हूँ, जलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी नाराज थी कि जब मेरा ऐसा वक्त है तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे केशव के पापा एक ही बात होते हैं, मैं हूँ ना
तुझे मैं चाहिए कि लोग चाहिए बस। तो वो वक्त था, फिर उसके बाद अचानक से दूसरे दिन लोगों ने षड्यंत्र करके उनका मैमो रोक दिया। जी मैंने अपने वकील को फ़ोन किया, वकील ने कहा नहीं नहीं मैम ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझे एक दिन दीजिए। मैंने एक दिन दिया, दूसरे दिन मुझे याद है दिवाली के दिन सुबह 11 बजे का वक्त था, मेरे वकील ने कहा मैम मैंने आपको क्या कहा था। अभी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे वकील ने कहा था कि मैम आपका केशव के पापा आ रहे हैं। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने दिनों से वेट करने के बाद मुझे उनको देखने मिल रहा था। ये बात घर वाले नहीं समझेंगे, भले आज केशव के पापा मेरे साथ हैं लेकिन आंसू तो आज भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने जितना उन्हें माना है किसी को नहीं माना है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि दिवाली की रात को राम लखन दोनों घर आ रहे थे, मेरी सबसे बड़ी जीत थी। ये बात पे मैं जब भी रोती हूँ तो केशव के पापा कहते हैं अब तो हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, तो रोने की क्या ज़रूरत है। मैंने उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया था, दुनिया इतनी गंदी थी कि मैंने तुम्हें खो ही दिया था, कोई अच्छे नहीं है, सब चाहते थे कि तुम आओ ही नहीं लेकिन आए, इसलिए इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर है कि उसी तरह से कल जब इस डॉक्टर ने कहा ना कि माँ ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको दो दो केशव है, तो मतलब कहते हैं ना कि भगवान अगर बोनस दिया तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि जिस पे 5 साल लांछन लगा था कि वो बाप नहीं बन सकता, अगर उसको एक बेटे की जगह दो दो बेटे भगवान ने दे दिए तो मतलब भगवान तो उसे बोनस दे देगा, वो तो मतलब खुशी के मारे पूरा नाचेगा, पागल हो जाएगा, बस वो तो बेसब्री से वेट कर रहा है कि कब वो चेहरा देखे। तो बस मैं ये चाहती हूँ चाहे एक हो चाहे दो हो, बस नॉर्मल डिलीवरी करके आ जाए मैं दिल से, क्योंकि मुझे पता है मेरी जीत होगी। जब वहाँ मेरी जीत हुई थी, दिवाली के दिन कौन आता है, दिवाली के दिन मेरी माता रानी ने मेरी मुंह की लाली रखी थी। कल से मैंने सिर्फ इसको और करोना जाने के लिए कि करोना देश से चला जाए और इसको लाने के लिए मैंने व्रत, मतलब मैंने जब चालू किया, क्योंकि मुझे बैठने बिल्कुल नहीं हो रहा तो भी मैंने बहुत हिम्मत करके कल 11,000 जाप किया, 1,25,000 जाप मुझे परसों तक पूरा करना है जुम्मे तक। मुझे पूरा यकीन है कि परसों तक जाप पूरा होने पे खुद ही जोर से दर्द आएगा, क्योंकि 1,25,000 जाप बगला मुखी का, 1,25,000 जाप नादे अली बहुत पावरफुल होता है, हर काम होता है, तो ये बात ज़रूर होगी। और दूसरा ये कि जब ये कोरोना का मैं निकल, देखो मन में था ना कि मैं ऐसा करूँगी, तभी मुझे प्रियंका का मैसेज फ़ोन पे, मैं कल उसे बहुतें बात कर रही थी बहुत सारी, तो मुझे बोल रही थी वो कि माँ देखो मैं आपको बताती हूँ कि उसने कहा कि कोरोना में उसके यहाँ पे हॉस्पिटल में जो नर्सेस हैं उनको भी कोरोना हो चुका है, क्योंकि लोगों को पेशेंट को संभालते संभालते वो लोग भी कोरोना के चपेट में आ गए। तो बोली तो अभी क्या करेंगे, बोलती अभी मैं ही बची हूँ। तो मैंने कहा कि तुम बची हो तो कुछ हुआ तो बोलती माँ आप हो तो कुछ होगा नहीं। मैंने बोला वो तो लेकिन कुछ होगा तो थोड़ा ध्यान रखो, तो बोलती नहीं माँ ऐसे क्यों सोच रही हो कि पॉजिटिव आने से आदमी मरता है। मैं बोली यहाँ तो लोग मर रहे हैं, तो बोलती बिल्कुल नहीं, जरा सा भी अगर आपको लगे कि पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो आप दवाखाना ना जाएं, आप घर में 7 दिन घर में क्वारंटाइन करें, और क्वारंटाइन करके पैरासिटामोल करके दवा आती है गोली वो ले, मतलब डॉक्टर से सजेस्ट करके दवाइयाँ ले, गर्म पानी पिए, क्योंकि कफ अंदर जमता है ना उसके लिए सांस रुकती है, तो हो सके तो वो करें। एक मैं भी एक बताऊँ तरीका, तो पोटली में काली लौंग और कपूर को पोटली बना के उसको वो करते रहे, तो उससे सांस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए, और मैं तो बताई ना मेरी बाँ ने हल्दी का पानी पिए, हल्दी का पानी हर कफ को जड़ से निकाले, सुबह बासी में उठ के गर्म गर्म हल्दी का पानी पीजिए, देखिए एकदम ठीक हो जाएंगे। तो बोली जैसी बुखार उतरेगा सर्दी खांसी हटेगी 7 दिन में क्वारंटाइन से अब निकल जाएंगे और चला जाएगा। बोली क्योंकि उसने कहा कि पिछले साल जिस हॉस्पिटल में वो काम करती पिछले साल वहाँ के डॉक्टर को भी कोरोना हो गया था, 7 दिन बाद उन्होंने ठीक हो गए, वापस इस साल कोरोना हो गया, क्योंकि वो बहुत गुटखा खाते हैं, तो बोलते गुटखे की वजह से उनका हाथ गंदा रहता है, गंदे हाथ से पानी पीना हो करना उसकी वजह से होता है। तो ये मतलब ये मैं पहले स्टेप जीती हूँ कि जो मैं आप लोगों के लिए मैंने जाप चालू किया उसके लिए भगवान ने पहला रास्ता ये बताया है कि कोरोना से कोई नहीं मरता है। मैंने उसे कहा कि कोरोना से लोग मर रहे, तो बोलती कि क्यों मर रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रियंका मैं पूरे यूट्यूब के सामने बोलूँगी अगर सच में मेरा केशव नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल डिलीवरी, मैं सच बोलूँगी बाहर से मैं सबसे पहला झूला झुलाने वाला हाथ आपका रहेगा। और दूसरी बात अगर जुड़वा हो गया ना तो हमारे में बुआ का हक दिया जाता है, मेरे यहाँ तो रेणुका कविता है, लेकिन तीसरा नंबर बुआ का हक आपको दिया जाएगा उसका नाम रखने का,
बस ये, क्योंकि दो केशव आएंगे ना तो बहुत बहुत खुशी हो जाएगी। यहाँ तो कल मेरी बेटी बहुत खुश हो गई क्योंकि जो जवा माता जी के लिए हमने सप्तधान बोया था वो एकदम तो माँ की फ़ोटो तक आ गया है। तो जब मैंने उसको रात को बताया तो वो कहने लगी, माँ मैं बोली ऐसा नहीं होना, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलती नहीं क्यों नहीं होना चाहिए मम्मी, अच्छी बात है ना, एक की जगह दो आएंगे और आपको कहाँ संभालना है, आप जाना अपने यात्रा पे, मैं और हम और अंकल लोग संभाल लेंगे उसको। बोले बहुत बड़ी बात बोल दी उसने, बोले वो बहुत खुश है। बोलती है बहुत सारे मुँह पर तमाचा पड़ेगा कि कहाँ तो एक के लिए हो रहा था और कहाँ तो मेरे केशव के पापा के लिए दो दो सौगात आएगी, लेकिन मैं तो फिलहाल सोच रही हूँ बस एक आ जाए बस हो गया। लेकिन ये बातें बहुत अच्छी है, आप मेरा परिवार हो। सॉरी मैं आपके सामने थोड़ा सा रो दी, इमोशनल हो गई, लेकिन वो पल ही मेरे लिए वैसा था। आज तो मैं आपके सामने ऐसे रोई हूँ, उस वक्त जब मुझे वकील ने बताया था तो मुझे याद है कि मैं फूट फूट के रोई थी। मेरे वकील ने कहा था, मैम हमारा गिफ्ट तैयार रखो, हम आ रहे हैं आपके पास। मैंने बोला इमीजिएटली आओ, अब भी आओ। बोले नहीं, पहले मैं उसके पापा के हाथ में मेमो दूंगा फिर आपके पास आऊँगा। मतलब कहते हैं ना, अच्छा का चीज़ कोई नहीं जानता है, ये सब पीछे की चीज़ें ना सिर्फ मैं जानती हूँ, केशव के पापा जानते हैं। सामने सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये किया हमने वो किया, हम किसी को नहीं बताते। मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे केशव के पापा आ गए और उनका भाई आ गया, उनके ऊपर लांछन नहीं लगा कि तेरी वजह से मेरा लड़का नहीं आया। बस तो हर जगह कहते हैं ना, मेरे केशव के पापा क्या कहते हैं मालूम है, हमेशा मैं भगवान को नहीं मानता हूँ लेकिन तेरी वजह से मैं भगवान को मानता हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है तेरी वजह से हुआ है, तो तू है इसके लिए भगवान है। मैं मतलब इसलिए मानता हूँ कि तेरा विश्वास भगवान पे है इसलिए मैं भगवान को मानता हूँ, मतलब तेरी विश्वास को मैं मानता हूँ। मैं आज मतलब जो उन्हें हमेशा बोला, और जब वो कहीं जाते ना मैं बोलती हूँ मुझे चिंता हो रही, तो क्या बोलते मन में, तू है ना तो मुझे कोई चिंता नहीं, तू मेरी ढाल है तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैं जंग के मैदान में भी जाऊँ ना तो मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जब जहाँ गया था ना वहाँ कचड़े के जैसे सबको बाथरूम के पास बिठाया था और मुझे ले जाके एकदम पंखे के नीचे सुलाया था। तो सोचो जहाँ तू है वहाँ मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, इसलिए बिंदास रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे कौन है। ये उनका प्यार है। आई लव यू सो मच आपका इतना प्यार के लिए, लेकिन बस चिंता होती है, कोरोना है, प्लीज़ सेफ, क्योंकि सबके लिए नहीं मेरे लिए और इसके लिए तो आपको सेफ रहना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए तो मैं तो पहले ही बोलूँ, मेरे पास तो ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना बहन है, मेरे ना दोस्त है, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो, और ये जो मेरे YouTube के मेरे परिवार वो ही मेरे माँ बाप है, बाकी तो मेरे लिए कोई रिश्ते नहीं। और मेरे बच्चों के लिए भी एक वो है मेरे घर में, मैं पता है आपको मैं अपने तीनों बच्चों को भी कहीं जल्दी जाने नहीं देती, उनको एक ही कहती हूँ, तुम लोग मेरे घर में जरूरी हो, क्योंकि यहाँ से अगर बाहर कुछ होगा तो क्या करेंगे, आदमी तो इंसान दस कर लेगा, बच्चे बहुत मुश्किल से। मेरा हिमांशु तो झगड़ा करता है, देखो मेरे को गुस्से में देख रहा है कि मैं बहुत केशव केशव हो रहा है, मेरा नाम कब बोलेंगे। अरे उसे क्या पता कि केशव है तो उसका नाम तो पहले आता है, आपने देखा होगा पहले हमेशा मैंने अपने बच्चे का नाम लिया है उसको। मुझे बोलता है हमेशा तो कहती है मुझे बिजनेसमैन बनाएगी, उसको अघोरी बनाएगी, सीधी बात है ना, वो बिजनेसमैन लुक वाला है तो बिजनेसमैन बनेगा, और जो है वैसे वैसे वो बनेगा, इसके नसीब में जो है वही बनेगा ना। तो बस ऐसे बस आप लोग विशेष कीजिए कि ये जल्दी से आ जाए, चाहे एक हो चाहे दो हो, फटाफट आ जाए और सबके मुंह पे कालिक पूज जाए बस। और आज ना रामनवमी है, 9 दीपक लगाना नहीं भूलना, आज 9 दीपक से स्वागत करो कि आज हमारे घर में राम जी जन्मे थे, हमारे अयोध्या में राम जी जन्मे थे, हम अयोध्या तो नहीं पहुँच सकते लेकिन 9 दीपक जलाएंगे। और आज मैं अभी लड़कियों को नहीं बुला रही, मैं हलवा पूरी पैकेट बांटूंगी और सभी के लिए हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी रामनवमी, जय माता दी।